हेलो दोस्तों, ये मेरा ऑप्शन सेलिंग एंड ऑप्शन बाइंग दोनों है। ये जो पोजीशन था मेरा ऑप्शन सेलिंग वाला पोजीशन है। देखो यहाँ पे -25 क्वांटिटी दिख रहा है, मतलब मैंने सेल किया था। अभी मैं बाय करूँगा। अभी क्या हुआ था, अभी मॉर्निंग में मार्केट अचानक डायरेक्शन चेंज हो गया था। उस टाइम मैंने क्या किया, कॉल ऑप्शन बाय किया। किसका? बैंक निफ्टी का एंड निफ्टी का। तो हेज करके मैंने 2000 2500 3000 प्रॉफिट कमा लिया। अब मेरा जो सेलिंग पोजीशन था उसको होल्ड किया था एंड मुझे पता था कि मार्केट क्या हुआ। यहाँ पे देखिए, कल तो मार्केट बेरिश था, ओके, यहाँ पे। एंड आज ही मार्केट क्या कर रहा था, यहाँ पे मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वीकली सीपीआर का बड़ा रेजिस्टेंस है। एंड फर्स्ट टाइम बाउंस वीकली सीपीआर से बहुत पावरफुल होता है। ये फॉल यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा है, तो ये अगर लेवल ब्रेक होता है तो और बड़ा फॉल देखने को मिलेगा। ये लेवल ब्रेक होने के बाद तो कल हो सकता है मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए, ओके, तो इतना फॉल हो सकता है। तो इसके लिए यहाँ पे आपको समझना होता है कि जब तक वीकली सीपीआर ऊपर है ना, तब तक आपको यहाँ पे पोजीशन बनानी नहीं है। मेरा कॉल ऑप्शन सेल था तो मैंने होल्ड किया, बट मेरा हेज वाले पोजीशन ने मुझे बचा लिया ताकि मैं कॉन्सेंट्रेशन एंड कॉन्फिडेंस के साथ बना रह सकूँ। देखिए, उसी तरह बैंक निफ्टी में भी कोई वीकली सीपीआर को क्रॉस नहीं हुआ था। R3 को टच हुआ था लेकिन उसके ऊपर नहीं गया था। तो इसके लिए आपको ओवरनाइट पोजीशन एसटीबीटी करते हैं तो हेज के साथ जरूर करना है। एंड वरना अगर मान लो अगले दिन एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़े तो आपके पास कैपिटल होना चाहिए, उसको एडजस्टमेंट करके पोजीशन को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दे। देखो, स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट एंड लॉस इज अ पार्ट ऑफ गेम, बट आपको लॉस हो रहा है उस टाइम क्या करते हो उससे आपका फ्यूचर डिसाइड होगा। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में स्पेशली उसमें भी ऑप्शंस ट्रेडिंग में देखो, ऐसा वोलाटाइल मूव शाम दोपहर को 3 बजे के बाद आ रहा है। तो सोच लेना, एक महीने में एक आध दिन ऐसा होता है कि 3 बजे के बाद ऐसा रिवर्सल आता है। जितने लोगों ने कॉल बाय किया है फंस गए। इसी को कहते हैं साइकोलॉजी, ओके। जब आपको लॉस हो रहा है तो उस टाइम क्या करते हो, किस तरीके से बिहेव करते हो, उसी पे आपका फ्यूचर डिपेंड है, स्पेशली ऑप्शन ट्रेडिंग में। अभी देखिए, फंड आपको कैसा होना चाहिए, आप 50% कैपिटल इस्तेमाल करना चाहिए। अभी मेरे पास 65,000 मार्जिन इस्तेमाल किया हूँ, 72,000 अभी भी पेंडिंग है, ओके। दूसरा जो कैप है मार्जिन वो छोड़ दो, मेरा जो पोर्टफोलियो उसका छोड़ दो। अभी मेरा जो ऑप्शन सेल वाला पोजिशन है वो पॉजिटिव चला जाएगा, ओके। तो ये पावर होता है। देखो, अगर ये डायरेक्शन के हिसाब से होता तो मैं शायद निकल जाता, लेकिन हेज था तो मैं प्रॉफिट में बना रह सका। आपको भी हेजिंग स्ट्रैटेजी सीखना है तो आप हमारा प्रो ट्रेडर्स मेंटरशिप प्रोग्राम को अपग्रेड कर सकते हैं। उसमें अपग्रेड अभी मंगलवार के दिन हमारा नया बैच शुरू हो रहा है, तो उसको आप जरूर अपग्रेड कर सकते हैं। एंड उसमें भी ऑफर चल रहे, जल्दी से जल्दी देख लेना। कमेंट में जरूर लिखना आप कि यहाँ इससे आपने क्या सीखा है, ओके, आपको क्या सीखने को मिला है, कि आपको क्या करना चाहिए। फायर फाइटिंग नहीं करना है, आपको एडजस्टमेंट करना है, वो भी एडवांस लेवल का, प्रोफेशनल लेवल का। जिस तरीके से फॉल हो रहा है मेरे दोस्तों, यहाँ पे अनबिलीवेबल वीकली सीपीआर का ये पावर है, ओके। WDP सीक्वेंस मैच करना है आपको, वीकली सीपीआर, डेली सीपीआर एंड प्राइस। तो प्राइस ऑलवेज ट्राई टू मैच एंड अलाइन विद द WDP सीक्वेंस। एक लाइक, एक शेयर, अपने जो नीडफुल दोस्तों को शेयर करना, जिनको ज़रूरत है इसकी उसको शेयर करना। एंड उनको ये कहना कि भाई पहले सीखो, स्टॉक मार्केट इस सट्टा बाजार नहीं है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बेस चलता है। तो यहाँ पे अभी 10 मिनट टाइम है मार्केट क्लोज होने के लिए। अभी 3:19 हो रहा है, 10 मिनट में लगभग मार्केट क्लोज हो जाएगा। क्या करूँ मैं, यहीं पे पोजीशन क्लोज करूँ या कैरी ओवर करूँ, कमेंट में बताना। मैं तो चाहता हूँ इसको कैरी ओवर करूँ, क्योंकि कल डेफिनेटली नीचे आ जाएगा। एंड आज मेरा जो 2500 जो भी प्रॉफिट है वो तो बन गया है ऑलरेडी, एंड वो मैं ऑलरेडी एनकैश कर लिया हूँ, ओके। तो ये पावर होता है ऑप्शंस ट्रेडिंग में। कल इलेक्शन का डे है तो छुट्टी है,
आप ओट जरूर डालना। ओके, तो यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे पोजीशन क्लोज नहीं करूँगा, परसों गैप डाउन हो या कुछ भी हो जाए ये 100 के नीचे आराम से आ जाएगा, क्योंकि इस तरीके से ट्रेड चल रहा है तो मैं प्रॉफिट में ही रहूँगा, तो ये कैरी ओवर करता हूँ। बाकी के तो ऑलरेडी 2500 मैंने प्रॉफिट कमा लिया है। तो ये होता है ऑप्शन ट्रेडिंग, तो इसको पूरा सीखिए हमारे ऑप्शन सेलिंग मास्टरी प्रोग्राम में। इसको पा सकते हैं आप ऑप्शंस मेंटरशिप प्रोग्राम अगर लेते हैं तो उसको उसमें ये फ्री मिल जाएगा आपको। एंड 11 पैटर्न्स हर बार आपको हर दिन अलग अलग पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। जब आप इसको ट्रेड करते 6 महीने तक मेरे साथ बने रहते हैं तब जाके आप प्रॉफिट बनाते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।